चलिए अब हम अपनी छोटी नौरा से मिलते हैं इस बड़का। अब आपको समझ आया, अब आपको समझ आया कि आप उसकी छोटी नौरा से मिलते हैं। आज भी तुम्हें नौरा कैसे था, क्या था सास? वेरी सास। आपको कैसा लगता है जब लोग आपको छोटी नौरा बोलते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि बड़े होके मैं नौरा मैम जैसे डांस करूँ। बड़े होके आप नौरा जैसे डांस करना चाहते हैं? आप अभी भी नौरा से कुछ कम नहीं डांस करें, आप देख रहे थे। सीरियसली यार, एक्चुअली की बेबी आप बहुत अच्छा करते हो। मैं ना बड़ी होने के बावजूद मैं आपकी तरह डांस करना चाहती हूँ। थैंक यू मैम, दैट इज हाउ गुड यू आर। एंड गाइस ट्रस्ट मी, पहली बार मैंने गीत को देखा जब मैंने एक डांस चैलेंज शुरू किया सोशल मीडिया पे, और मेरा हैशटैग जो होता है हैशटैग डांस विद नौरा, उसने एक डांस वीडियो डाला इंस्टाग्राम पे, मेरे हैशटैग पे। और पहली बार जब मैंने उनको देखा था इंस्टाग्राम पे और मैंने उसका वीडियो मेरा इंस्टाग्राम पेज पे डाला, आई सेड कि ये स्टार है, शी इज गोना गो सो फार। सो मैं दिल से बहुत खुश हूँ क्योंकि वो शो पे आई है। And she has so much to show, and she will definitely show you what hardcore dancing really is. क्या बात है? आपको मैं एक और interesting story बताता हूँ कि गीत हमारी वो लड़की जिसने एक नया स्यापा बन गया मनुष्य, तो गीत आई पहले थे और गीत ने बोला कि नौरा मैम मैं आपके साथ ना वो डांस मेरी रानी पे डांस करना चाहता हूँ। तो ऑब्वियसली नौरा बीइंग स्वीटहार्ट उसने उन्होंने कहा उनके साथ चलिए ठीक है मैं करती हूँ। के बाद हुआ क्या कि ज्यादा नहीं 1,50,55,100 जितने भी उसके बाद कंटेस्टेंट्स के पापा लोग, कंटेस्टेंट्स की मम्मी लोग, मासी लोग, सब ने यही रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी। तो मुझे पता था कि यहाँ पर भी ये होने वाला है, एंड मैं आफ्टर ऑल यू नो कलर्स के साथ हूँ, हम बहुत गिविंग है, तो हमने इसकी भी पूरी पूरी तैयारी करके रखी हुई है। तो गीत और मीडिया पे से मैं कुछ लोगों को बुलाना चाहूंगा, विशाखा जी, हरी जी एंड नैना जी, चलिए स्टेज पर हम नौरा के साथ डांस मेरी रानी पे परफॉर्म करने वाले हैं।